अगर आप लोग भी बेली फैट को खत्म करना चाहते हैं वो भी सिर्फ एक हफ्ते में, तो बस मेरी आसान सी ये 14 टिप्स को फॉलो कर लीजिए और 1 वीक में अपने बेली को नोटिस करिएगा। आपका लटका हुआ पेट पहले से काफी ज्यादा कम हो चुका होगा, लेकिन आपको इसमें कोई चीटिंग नहीं करनी होगी, बल्कि इस सारी टिप्स को अच्छे से फॉलो जरूर करना होगा। तो देरी किस बात की, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहें शेयर करके। बेली फैट यानी पेट के आसपास जमा फैट को कम करना सबसे मुश्किल काम है। कमर के आसपास जमा चर्बी टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट से जुड़ी बीमारियों और पीठ दर्द जैसी समस्याओं की वजह बनती है। कुछ लोग इस फैट को कम करने के लिए फैट बर्निंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर मार्केट में मौजूद ये पदार्थ आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। मगर मैं आज आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी आसान टिप्स बताऊंगी जो बेली फैट को बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस करने में आपकी मदद करेगी। टिप नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा ली फाइबर। फाइबर युक्त आहार यानी फ्रूट्स, दालें, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, मेवे और एलोवेरा जूस जैसे पदार्थों में ढेर सारा फाइबर मौजूद होता है। फाइबर हमारे शरीर में पानी को जल की मात्रा में तब्दील करने का काम करता है। जब आप बहुत देर तक खुद को भरा हुआ महसूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कुछ भी फालतू का नहीं खा पाएंगे, जिससे कि आपका मोटापा कंट्रोल रहेगा। टिप नंबर 2, ट्रांस फैट से रहें दूर। ट्रांस फैट यानी बेकरी पर मिलने वाले प्रोडक्ट फूड्स, पैकेट फूड्स, जो लोग इस प्रकार का खाना खाते हैं उन्हें दिल से जुड़ी समस्याएं होती है। शरीर में इंसुलिन की मात्रा ना बनना और पेट के नीचे वाले भाग में फैट जमा होने लगता है। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जितना हो सके बाजारी पैकेट फूड से दूर रहें, खास तौर पर वे लोग जो बॉडी फैट कम करना चाहते हैं। टिप नंबर 3, ज्यादा शराब का सेवन। अल्कोहल का ज्यादा सेवन करने से भी आपका लिवर जो है फेल हो सकता है और आपका जो बेली है वो पहले से ज्यादा बढ़ने लगता है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने बेली फैट को कंट्रोल करना तो अपने अल्कोहल पे सबसे पहले कंट्रोल करें, उसको बल्कि कट ऑफ करें। टिप नंबर 4, हाई प्रोटीन डाइट। बेली फैट कम करने के लिए प्रोटीन का सेवन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइबर की तरह हाई प्रोटीन डाइट भी आपका पेट भरा रखने में, आपको भरा हुआ महसूस करवाने में आपकी मदद करती है। हाई प्रोटीन डाइट में आपको मीट, फिश, अंडे, डायरी प्रोडक्ट्स, बीन्स और हरी सब्जियां शामिल करनी है। टिप नंबर 5, स्ट्रेस रखें कम। कहीं ना कहीं वजह स्ट्रेस भी है जो आपके बेली फैट को बढ़ा देती है। असल में कुछ लोग स्ट्रेस के चलते अपनी डाइट पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं और ऐसे में इसका पूरा असर उनके पेट पे पड़ता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जब वो स्ट्रेस में है या तो बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं या फिर बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं और आपको पता नहीं लगता, आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे में आप स्ट्रेस से दूर रहें क्योंकि चिंता चिता है। वजन कम करने के लिए सैर, योग और डाइटिंग के अलावा एरोबिक्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कुछ चेंज भी हो जाएगा। तो लाइफ में डेली रूटीन में इन चीजों को जरूर शामिल करें, चाहे आप 45 मिनट के लिए वॉक करें या 30 मिनट के लिए वॉक करें या कोई योगासन 10 मिनट के लिए करें, लेकिन जरूर करें क्योंकि इससे आप ना सिर्फ मोटापे से बल्कि बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रहते हैं। टिप नंबर 7, कार्ब्स को कहें ना। खाने में कार्ब्स की कम मात्रा आपका बेली फैट कम करने में आपको बहुत मदद करेगी। आपको हर रोज खाने में 50 ग्राम से ज्यादा कार्ब्स नहीं लेना है। इससे ज्यादा कार्ब्स का सेवन टाइप 2 डायबिटीज और बचे दाने में रसौलियों की वजह बनती है। अपनी डाइट में जितना हो सके ग्रेन्स शामिल करें। ऐसा करने से आपको 17% तक बेली फैट आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। टिप नंबर 8, सबसे पहले बॉडी में फैट कम करने के लिए अपना कुकिंग ऑयल बदलें। कोकोनट ऑयल बेली फैट कम करने का सबसे अच्छा उपाय है। ये बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है और साथ में कोकोनट ऑयल में बनाया गया खाने से आपकी बेली 1 से 2 इंच कम होने लगती है। आप विद इन अ मंथ खुद नोटिस करेंगे कि आपका बेली फैट में बिना कुछ करे 1 से 2 इंच कम हो गई है, अगर आप कोकोनट ऑयल में अपना खाना पकाकर खाएंगे। टिप नंबर 9, फैटी फिश। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो हर रोज चिकन और मीट खाने से आपका वजन बढ़ सकता है, लेकिन चिकन और मीट की जगह अगर आप फैटी फिश लें और इसका अगर आप सेवन करें तो इससे आपके बॉडी में सारे पोषक तत्व भी जाएंगे और आपका वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। हफ्ते में एक बार भूखे रहने से आपका बेली फैट कम होता है क्योंकि इससे हमारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है। जो हम डेली उन पे लोड डालते हैं, खाना खाते रहते हैं तो हमारे शरीर को भी पचाने के लिए थोड़ा सा साफ होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो एक दिन जरूर फास्टिंग करें। फास्टिंग का मतलब ये है कि आप उस दिन सिर्फ खिचड़ी खाएं, फ्रूट्स खाएं, इसके अलावा कुछ और बिल्कुल ना खाएं। खिचड़ी भी बिल्कुल सादी सी बनाकर खाएं, जिसको बहुत लोग कहते हैं बीमारियों वाला खाना, लेकिन वो बीमारों वाला खाना ही आपके शरीर को अंदर से साफ करेगा और आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप अपना बेली फैट बूस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें, 15 दिन में पानी में नमक डालकर कम से कम 3 से 4 ग्लास पानी पिएं, क्योंकि इससे आपको या तो
ऑपरेशन जाना पड़ेगा या आपको आएगा वॉमिट, जिससे कि आपकी जो वमन क्रिया है, वॉमिटिंग क्रिया है, वो पूरी होगी, आपका शरीर अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगा। इससे आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके शरीर में जहां फैट था वो खत्म होने लगा है, लेकिन इसको करना है सिर्फ 15 दिन में एक बार। ग्रीन टी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए जरूर कोशिश करें कि ग्रीन टी दिन में दो बार लें, लेकिन खाली पेट नहीं बल्कि खाना खाने के आधे घंटे बाद लें। ऐसी मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आप उनका सेवन करेंगे रोजाना तो डेफिनेटली आप जो खाना खाएंगे उसको डाइजेस्ट होगा और वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपका बेली क्या, आपके जहां भी शरीर में फैट है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। तो ऐसे ही खूब सारा प्यार देना मत भूलिएगा मुझे, वीडियो कर दीजिए जमकर शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ। लव यू ऑल।